Hey guys, welcome to the channel once again. और मेरा नाम अमित और आपका स्वागत है अमित व्लॉग्स में. और जैसे कि गाइज आप देख रहे हैं कि टाइटल से आपने समझ लिया होगा कि हम कहां पर हैं. आज का विजिट रहेगा तुगलकाबाद फोर्ट का. गाइज ये मैंने कभी देखा नहीं था और इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना इसको एक्सप्लोर करते हैं और देखते हैं कि आखिर क्या है इस फोर्ट में. ओके गाइज मेरे पीछे बंदर आ गए हैं तो यहाँ से दूर चलते हैं थोड़ा सा. ओके गाइज मेरे पीछे बंदर थे तो मुझे लगा कि कहीं वो कुछ नुकसान ना पहुँचाए. ओके गाइज तो ये है टिकट घर गाइज और यहाँ से हम अभी टिकट लेंगे तो आपको हम दिखाते हैं और आगे बढ़ते हैं. ओके गाइज तो अपने टिकट ले लिए. ये मेरे पास 25 रुपीज़ की टिकट और आपको बता देता हूँ कि अगर आप वीडियो कैमरा लेके जाते हैं तो उसके लिए 25 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ेगा. लेकिन फ़िलहाल मैं कैमरा से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, फ़ोन से रिकॉर्डिंग चल रही है तो इसलिए आपको ऐसा कुछ देने की ज़रूरत नहीं है. और उसके साथ साथ आपको मैं भी दिखाता हूँ कि इसके जो प्राइसेस है क्या क्या है अंदर जाने के. ऑलराइट गाइस आपको भी दिखा रहा हूँ कि क्या क्या चार्जेज है यहाँ पर और कैसे आप जो है इसको यूज़ कर सकते हैं. ऑलराइट गाइस सो अब हम चलते हैं अंदर. मैं आपको दिखा देता हूँ कि क्या क्या हो रहा है यहाँ पे. एंड आई एम गोना शो यू ऑल द एंट्रेंस. वेयर आर द एंट्रेंस. ओके गाइज तो अब अंदर जा रहे हैं. एंड गाइज ये एंट्रेंस और इसके चारों तरफ मुझे गायें दिख रही हैं बहुत सारी और बहुत सारी और चीज़ें दिखाई दे रही है. मैं आपको दिखाता हूँ. यहाँ पे एक नाला भी बना हुआ है इसके साथ में और यहाँ पे मुझे बंदर दिख जाएंगे बहुत सारे. तो बंदर भी हैं. अब यहाँ पर बंदर घूम रहे थे काफ़ी सारे. तो गाइस अंदर चलते हैं और आपको दिखाएंगे कि क्या क्या है यहाँ पर. ओके इसके बारे में कुछ ज़्यादा गाइस मुझे अभी हिस्ट्री मालूम नहीं है तो अगर कुछ लिखा होता है तो उसको मैं आपको दिखाऊंगा. ओके गाइस तो अब चलते हैं अंदर और आपको अंदर लेके चलते हैं. गाइस अभी भी टिकट मेरे सामने है. मैं आपको दिखा रहा हूँ मेरे हाथ में ही टिकट है. ओके तो गाइस एक और इन्फॉर्मेशन अभी पता चली है कि अगर आप कुछ इनवेल्युएबल चीज़ें अपने साथ लेकर आए हैं तो इन्होंने बोला है कि आप जंगल की तरफ नहीं जाएं. मे बी शायद कि उस तरफ का कोई एरिया है जो कि ये बोल रहे हैं कि जंगल है. आई थिंक कि कुछ एरिया है जहाँ पर कि छीना झपटी वगैरह के सीन हुए हैं. तो गाइज इसको एक्सप्लोर करते हैं और देखते हैं कि क्या है. ओके गाइज तो इसमें मैं भी आपको बताता हूँ क्या लिखा हुआ है. फ़िलहाल मैं इसको पढ़ लेता हूँ. ओके गाइज तो इस जो कुछ गाइज अभी यहाँ लिखा हुआ है इसके अनुसार मैं आपको बता देता हूँ कि गियातुद्दीन तुगलक जो थे उन्होंने 1321वीं शताब्दी और 25वीं शताब्दी तक उन्होंने दिल्ली को जीतने के बाद अपना जो राजधानी थी कैपिटल जो था वो दिल्ली को बनाया था उन्होंने. और इसमें लिखा है कुछ स्ट्रेटेजिक रीजंस ही बिल्ड ड्यूरिंग एडी 1321-23 1321 से 23 तक में इन्होंने ये किला तैयार किया गया था. और विच स्टैंड्स हाई ऑन सेक्रेड आउटपुट ऑफ ए रॉकी हिल जो कि गाइज एक बहुत ही ऊंची पहाड़ी पर बना हुआ था. और गाइज इसमें इसके प्लान के बारे में दे रखा है. मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे इसको गाइज तीन मेजर पोर्शंस में डिवाइड किया गया था ईस्ट की तरफ से जो कि गाइज उस तरफ है. और इसके अलावा यहाँ लिखा है देयर आर थ्री इनर गेट्स गाइज यहाँ पे तीन अंदरूनी गेट्स भी हैं जो कि बहुत बड़े साइज़ के हैं और विजिबल सॉलिड और जो कि आपको दिख जाएंगे बाहर से भी. एंड इसके अलावा यहाँ पे तीन पोर्शंस में इसको डिवाइड किया गया था जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था. और चारों तरफ से बड़ी बड़ी वॉल से इसको जो है वॉल किया गया था गाइस. तो आगे चलते हैं आपको दिखाते हैं गाइस. इस समय मैं खड़ा हूँ लेफ्ट साइड में तो आपको लेके चलते हैं
लेफ्ट साइड की तरफ गाइस। ओके, एक छोटा सा रास्ता है जो आपको एग्जिट की तरफ यहाँ लेके जा रहा है, जहाँ से भी आप बाहर नज़ारा देख सकते हैं गाइस। एंड दिस इज़ सो नाइस। ये वॉल है फोर्ट की, चारों तरफ आप ऐसे ही वॉल्स देख सकते हैं जो कि चारों तरफ फैली हुई है। ओके गाइस, तो ये मेरे को एक गार्ड मिल गए हैं जो कि मुझे जो है एक बावली है वहाँ की, वहाँ पे लेके दिखाएंगे। तो चलते हैं। ओके गाइस, तो ये है बावली की सीढ़ियाँ। और गाइस, ये पहली बावली है जहाँ मैं विजिट कर रहा हूँ दिल्ली में, क्योंकि अगर आपको ध्यान हो तो फिरोज शाह कोटला गया था मैं, वहाँ पर भी जो है बावली को बंद किया गया हुआ है। और एक बावली जो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था। वेल गाइस, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कि सारा अनएक्सप्लोर्ड एरिया है। इसको बोला अभी, ये बता रहे हैं कि किंग प्लेस है, किंग प्लेस ना, हथियार मंडल बोला करते थे गाइस इसको। ओके गाइस, ये वॉल्स मुझे फिरोज शाह कोटला की याद दिला रही है बिल्कुल। ओके गाइस, इसको कहा जाता था किंग प्लेस, और एक बताया कि आपने हथियार मंडल बोला करते थे इसको गाइस। तो यही है गाइस, और काफी बड़ा किला है ये चारों तरफ से। ओके गाइस, तो आपके लिए कुछ एक्सप्लोर करा मैंने अभी, और आपको दिखा देता हूँ मेरे पीछे जितना भी एरिया है ये सारा रिस्ट्रिक्टेड है, नॉट अलाउड एरिया है। आप अगर आएंगे तो यहाँ पे साथ में आए किसी के या फिर किसी सिक्योरिटी गार्ड के साथ, तभी बेटर होगा। और मेरे सर के ऊपर वो जा रहा है एक जहाज। ओके गाइस, तो ये एक्सप्लोर किया था गाइस लेफ्ट साइड का एरिया, कुछ अभी मिला नहीं वहाँ पे, खंडर थे और काफ़ी सारा टूटी फूटी हुई बिल्डिंग्स थी। अब हम जाते हैं राइट साइड में।